हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और फ्रिक्शन का ये पहला लेक्चर है, और फ्रिक्शन के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। बेसिकली लेक्चर फ्लो कुछ ऐसा होने वाला है कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले फील करेंगे कि फ्रिक्शन है क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन है क्या। तो हम समझेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं और पैरेलल को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां से फ्रिक्शन निकल कर आ जाएगा। फ्रिक्शन करता क्या है, फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है, फ्रिक्शन चाहता क्या है, और फिर फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस कंडीशन में किधर होने वाला है। उसको बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन आप डायरेक्शन वाला जो हिस्सा है वो देखोगे, तो फिर उसके बाद कहोगे कि वो भाई डायरेक्शन में तो मेरा लफड़ा फंसता ही नहीं, मैं तो कितना बेहतरीन समझ गया ये लेक्चर देखने के बाद। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझने के बाद हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक टाइप्स बात करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग उसके ग्राफ को समझेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी, फिर हम उसके ग्राफ को समझेंगे, और फिर ग्राफ को समझने के बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम बात करेंगे कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए किसी भी ब्लॉक को मूव कराने के लिए। तो बच्चे के दिमाग में रहता है म्यू एमजी, लेकिन मैं कहूंगा कि म्यू एमजी नहीं है मेरे भाई, ये पूरा कैलकुलेशन और डेरिवेशन हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे और बात करेंगे कि जो मिनिमम फोर्स होता है वो होता है म्यू एमजी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और फर्स्ट क्लास से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। और फ्रिक्शन के जितने भी लेक्चर है उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दें और कमेंट, क्योंकि आप तो लेक्चर के एंड में करोगे सर बहुत मज़ा आया, समझ में आया, पूरा माइंड और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, न्यू वाइस सीखें जी, क्यों बात समझ में आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली फ्रिक्शन बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझेंगे फ्रिक्शन होता क्या है। पहले बात कहाँ से शुरू हुई है, सारी चीज़ें जो बहुत बहुत बातें ऐसी जो आप पढ़ चुके हैं, क्या आप पढ़े हुए हैं, अगर आपने सीक्वेंस वाइज मेरे सारे लेक्चर्स देखा है तो आपको आपको आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं नए सिरे से आपको बताता हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। लेकिन फ्रिक्शन समझने से पहले कुछ समझते हैं, क्या समझते हैं, देखिए ध्यान से। ये सरफेस, यहां हमने एक मास रख दिया, ये सरफेस और यहां हमने मास रख दिया m, बिल्कुल मास रख दिया, यस सर आपने मास रख दिया है, ठीक है। अगर आप इतने हिस्से को अगर आप जूम करके देखो, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा उन्हें वो कहेंगे कि सर ये तो आप वही चीज़ बता रहे हो जो आपने बताया है, लेकिन आपको घबराने की बात ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जूम करके अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये ऊपर का सरफेस है और ये नीचे का सरफेस, ये ऊपर का सरफेस है और ये, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एकदम प्लेन ना दिखने वाला है, प्लेन दिखेगा ही नहीं, प्लेन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो भैया आपको कैसा दिखे, इस तरह का दिखे। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर पहले हमने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये नॉर्मल है N1, N2, N3 है ना, और यहाँ N है ना, और इन सारे N का रिजल्टेंट है यहाँ जो हम N लिखते हैं। ये तो आपको पता होगा ना कि ये एम है, नीचे लग रहा है एम जी तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ये तो आपको पता होगा। तो ये जो एन हम लिखते हैं, ये एन क्या है, इन सारे एन का रिजल्टेंट जो कि वर्टिकली है, जो कि सारे एन का रिजल्टेंट, इस सारे एन का रिजल्टेंट है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, कोई इसमें खराब बात नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब हमने NLM में यही समझ कर पढ़ा था, ठीक है, हमने NLM में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यही समझ के पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। अब बात अगर हम आगे करें तो ध्यान से देखिए, ये जो कॉन्टैक्ट है
मैं फिर से यहां बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक एक पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि ये फोर्स, अब हम इसे नॉर्मल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर नॉर्मल बोलकर मेरा काम चल गया था, ठीक है। नॉर्मल बोलकर काम चल गया था, हमने नॉर्मल बोलकर समझकर पूरे चैप्टर समझ लिया और अच्छे से, उसमें कोई खराबी नहीं, कोई गलत बात भी नहीं, और एक्चुअल में है भी यही। अभी आपको मैं और क्लियर कर दूंगा कि अभी मैं एक्चुअल में ये नॉर्मल है कैसे। देखिए भाई, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये सारे फोर्स F1, F2, F3, अब समझने की बात, ऐसा ऐसा बहुत सारा फोर्स, अब ये समझने की बात ये कि सारे फोर्स पॉइंट्स मैं आपको लिखते चलूंगा और आप उसे नोट करते चलोगे कि सारे फोर्स, ठीक है, सारे फोर्स नॉर्मल हो, मतलब कि सारे फोर्स वर्टिकल हो ये जरूरी नहीं है, वर्टिकल हो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये वर्टिकल ही होगा, ये जरूरी नहीं। ये जो फोर्स है, सारे फोर्स एक्चुअल में ऑब्लिक होते हैं, टेढ़े होते हैं, ऑब्लिकली होते हैं। ये सारे फोर्स एक्चुअल में ऑब्लिकली होते हैं। अब जब ये ऑब्लिकली होंगे तो इनका रिजल्टेंट जो मैंने यहां ड्रॉ किया, ये चूंकि ये ऑब्लिकली होंगे तो ये एन नहीं, यहां पर अगर मैं यहां बनाऊं, ये ऑब्लिकली नहीं होते, मतलब कि सारे वर्टिकल नहीं होंगे, कैसे होंगे, ऑब्लिकली, तो ये ऑब्लिकली फोर्स ऑब्लिकली है, मतलब इन सारे फोर्स का ये रिजल्टेंट, इन सारे F1 का, F1, F2, F3, Fn, इन सारे F का ये नॉर्मल, मतलब ये ऑब्लिकली रिजल्टेंट, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, अच्छे से आ रही है बातें समझ में मुझे, आगे बताइए मुझे। अरे वाह, चलिए देखिए, यहाँ तक मैं कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। अब बात यहाँ समझने वाली ये है कि ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस कॉन्टैक्ट पर फोर्स लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये जो फोर्स है, ये एक्चुअली में कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स FC, ये एक्चुअली में कैसा फोर्स है, FC, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कॉम्पोनेंट करना है, एक कॉम्पोनेंट करना है परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, है ना, जिसको हम लोग वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी बोल रहे हैं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, और एक है इसका पैरेलल कॉम्पोनेंट, परपेंडिकुलर थी पैरेलल कॉम्पोनेंट, ठीक है। और इसी पैरेलल कॉम्पोनेंट को हम लोग एक और नाम से जानेंगे, जिसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। बात समझ में आ रही है, इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कॉम्पोनेंट, एक वर्टिकल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और एक जो पैरेलल है, और इसी पैरेलल वाले को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ओ माय गॉड, क्या यही पढ़ना है? हाँ सर, ये पढ़ना तो यही है, समझ में भी आया कि फ्रिक्शन क्या, ओ माय गॉड, यही इंट्रो था फ्रिक्शन का, ये इंट्रोडक्शन, ओ माय गॉड्स, फ्रिक्शन समझ में आई, मतलब अभी तक आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन है क्या। अब मैं आपको रिकॉल कराता हूं, मतलब अगर आपने NLM देखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने देखा उनके लिए, कि वहां पर हमने नॉर्मल पढ़ा ये सबका, क्या यही बात तो थी, लेकिन हमने बस इतना और इतना समझ के काम चला लिया, मतलब कुछ हिस्से से हमारा काम बन रहा था, बना लिया, अब उसको और अच्छे से जाहिर तौर पर हमने यहां समझा कि ओ भैया, वो नॉर्मल जो था वो एक्चुअली में कॉन्टैक्ट फोर्स का एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट था, और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट को लेकर ही हम लोग पढ़ रहे थे, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। खैर चलिए, तो हमने क्या समझा, फ्रिक्शन कौन है और नॉर्मल कौन है, तो बेसिकली जो हमारे काम का उसको रखते हैं और जो हमारे काम का नहीं उसको उड़ा देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ध्यान से देखिए,
जूम किया तो ये ऐसा हुआ तो ये एक्चुअली में कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अब तक इतने में हमने समझा कि जब हम किसी सरफेस को दूसरे सरफेस पर रखते हैं तो उस दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह का होता है, और उस कॉन्टैक्ट वाले पॉइंट पर जो फोर्स लगता है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। उस कॉन्टैक्ट फोर्स पर, उस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कॉम्पोनेंट, एक परपेंडिकुलर होता है और एक पैरेलल होता है। परपेंडिकुलर वाले को नॉर्मल बोलते हैं और पैरेलल वाले को फ्रिक्शन बोलते हैं। नॉर्मल की कहानी हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ ली है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में। तो और डिटेल में समझते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, फर्स्ट क्लास मिटा देते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कॉम्पोनेंट, एक है नॉर्मल और दूसरा है पैरेलल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या चाहता है, कॉन्टैक्ट फोर्स चाहता है कि सरफेस, कॉन्टैक्ट फोर्स चाहता है कि सरफेस आपस में साथ, सरफेस आपस में साथ रहें। बात समझ में आ रही है, क्या चाहता है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या चाहता है कि सरफेस आपस, क्यों साथ में रहेगा तभी तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। नाम ही क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम ही क्या है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कब, मतलब कि क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि सरफेस कॉन्टैक्ट में रहे और मैं लगता रहूं। अब बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, बाप हो गया, इस बाप के दो बेटे, एक का नाम है नॉर्मल, दूसरे का नाम है फ्रिक्शन। ये दो बेटे हैं, बेटे, ये दो बेटे हो गए, किसके बेटे हो गए भाई, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के। अब चूंकि बाप क्या चाहता है, बाप चाहता है कि सरफेस कॉन्टैक्ट में रहे, सरफेस आपस में मिला रहे, साथ रहे, आपस में साथ रहे, सरफेस कौन चाहता है, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो जब बाप ऐसा चाहेगा तो क्या औलाद उसका नहीं चाहेगा, औलाद भी चाहेगा। तो चूंकि कॉन्टैक्ट सरफेस चाहता है कि सरफेस आपस में साथ रहे, तो नॉर्मल भी चाहता है कि सरफेस आपस में साथ में रहे, मतलब फ्रिक्शन भी चाहता है कि सरफेस आपस में साथ में रहे। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। तो अब तक यहां तक में हमने क्या समझा कि जब कोई सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस है, दो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स बाप है, बाप के दो बेटे, एक नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट सरफेस क्या चाहता है कि सरफेस आपस में साथ में रहे, यही। तो जब बाप ऐसा चाहेगा तो बेटा भी ऐसा चाहेगा, तो नॉर्मल भी यही चाहता है कि सरफेस आपस में साथ रहे, फ्रिक्शन भी यही चाहता है कि सरफेस आपस में साथ में रहे। तो हमारा मुद्दा कौन है, सर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। तो हमने समझा अभी तक फ्रिक्शन के बारे में दो चीजें समझी, हमारा मुद्दा क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने क्या समझा अभी तक, तो फ्रिक्शन के बारे में हमने समझा कि फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का बेटा है, मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे, एक का नाम है नॉर्मल, दूसरा का नाम है फ्रिक्शन। एक कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कॉम्पोनेंट, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट जिसको कहते हैं नॉर्मल, जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, दूसरा है पैरेलल कंपोनेंट जिसका नाम है फ्रिक्शन, जो हम यहां पूरे डिटेल में अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। फ्रिक्शन पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चाहता क्या है, तो फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेस हमेशा साथ रहे, कभी जुदा ना हो। अगर जुदा होगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, ये मेहनत करेगा कि वो फिर से साथ हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये दूसरों की जुदाई नहीं देखता क्योंकि कंट्रोल है। तो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन भी यही चाहता है कि दो सरफेस कैसा रहे, आपस में साथ में रहे। तो यहां तक की कहानी हमने समझ ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रिक्शन का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द फोर्स विच इज, ये स्पेशली मैं आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप नोट्स बनाओ तो अच्छा खूबसूरत नोट्स लगे, पढ़ो भी तो फील भी आएगी, अरे भैया क्या नोट्स लिख रहा है, मतलब कि पढ़ रहा हूं तो ही क्लियर हो जा रहा है। तो इट इज द फोर्स विच इज
which is the parallel component of contact force. And it always tries to keep two contacted surfaces together. यस सर, बात समझ में आ रही है मेरे को। ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो रही है, ये मेरे को दिख रही है। तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो पैरेलल कंपोनेंट है किसका? कांटेक्ट फोर्स का। ये हमेशा चाहता है कि दो सरफेस आपस में कैसा रहे, ये चाहता है कि दो सरफेस आपस में हमेशा साथ रहे। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब कुछ और बातें देखते, देखिए किस फर्स्ट, ये कोई ए ब्लॉक है, ये कोई बी ब्लॉक है। ये कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। दूसरा केस, ये कोई ए ब्लॉक है, ये कोई बी ब्लॉक है, दोनों जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और यहां कोई तीसरा ब्लॉक है सी। मान लीजिए यहां कोई, यहां है ए ब्लॉक और यहां है बी ब्लॉक, और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब देखिए तीन केसेस हैं, केस वन, केस टू एंड केस थ्री। ये तीन केसेस। अब समझते हैं बात। ये भी कितने से जा रहा है? 5 से जा रहा है। ये भी कितने से जा रहा है? 5 से जा रहा है। दोनों 5-5 से जा रहे हैं, दोनों 5-5 से जा रहे हैं। मतलब दोनों जब 5-5 से जा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों 7 जा रहे हैं। यस सर, दोनों तो 7 जा रहे हैं, दोनों 7 जा रहा है। यस सर, दोनों 7 जा रहा है। अच्छा, दोनों 7 जा रहे हैं, दोनों 7 जा रहे हैं, तो ए और बी के ब्लॉक में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन कैसा है? वो फ्रिक्शन है खुश। फ्रिक्शन इज हैप्पी। फ्रिक्शन कैसा है? खुश है। क्यों खुश है? फ्रिक्शन इसलिए खुश है क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और फ्रिक्शन चाहता क्या है? दिमाग में रखना आपको एक ही बात, फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट है जो ये चाहता है कि दो सरफेस हमेशा साथ रहें, हमेशा साथ रहें। यहां दोनों साथ है, फ्रिक्शन खुश, मेरे मन का काम हो रहा है, फ्रिक्शन खुश है। लेकिन यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि बी, ए और बी दोनों चल रहे हैं, खुश है, दोनों खुश है, लेकिन बी का मन लग गया इसके साथ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं समझाने के लिए कि बी का मन लग गया सी के साथ, बी चाहता है कि मैं सी के पास जाऊं, तो बी अगर चाहेगा कि सी के पास जाए तो फ्रिक्शन यहां नाराज हो जाएगा, नहीं ये गलत काम कर रहे हो तुम। फ्रिक्शन कहेगा कि नहीं भैया, तुमको वहां नहीं जाना है, तुम यहीं रहो और इसी के साथ साथ रहो, क्योंकि इसी के साथ था ना, तो फ्रिक्शन क्या जाएगा कि ये हमेशा साथ रहे। तो फ्रिक्शन यहां पर क्या हो जाएगा? गुस्सा। फ्रिक्शन इज नाराज। फ्रिक्शन इज नाराज, ओ भाई साहब। और फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा, दोनों को समझाएगा कि भाई तू एक काम कर, तू बात समझ, ठीक है ना, तू उधर मत जो, तू इधर ही रह। इसको भी बोलेगा दोनों, मतलब तुम थोड़ा आगे आओ, तुम थोड़ा पीछे चलो, दोनों आदमी साथ साथ रहो, ये सब बताकर फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा। इस केस में देखिए, ओ भाई साहब ये 5 से जा रहा है, ये 10, ये किधर जा रहा है? आगे। फ्रिक्शन यहां भी नाराज है, लेकिन फ्रिक्शन की नाराजगी सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई नाराज हुआ है, फ्रिक्शन यहां भी नाराज है, लेकिन फ्रिक्शन की नाराजगी ये नहीं कि भाई मैं नाराज हूं तो मैं अपना डीपी चेंज कर लूंगा, मैं नंबर ब्लॉक कर लूंगा, मैं स्टेटस अब सिर्फ दिल जले वाला लगाऊं, ऐसा फ्रिक्शन के साथ नहीं। फ्रिक्शन अगर नाराज है तो वो कहेगा कि भाई मैं इतने से मैं हार नहीं मानने वाला हूं, मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये फ्रिक्शन है।
है ना, फ्रिक्शन। मैं आपको अभी फील दे रहा हूँ कि फ्रिक्शन है क्या, फिर तो उसके बाद तो फिर न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स और मैथमेटिक्स बस यही चलने वाला है। लेकिन मैं फील दिला रहा हूँ कि फिजिक्स बेसिकली है क्या, करना क्या चाहता है भाई, अरे कहना क्या चाहते हो, तो यही बात साफ साफ नहीं बोल सकते थे, वही तो मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए। फ्रिक्शन यहाँ नाराज है, तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, चूंकि ये आगे जाना चाह रहा है ना, ध्यान से देखिए, 10 मीटर ये पीछे रहा, तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, ए तू आगे मत जो, चल तू पीछे रह। तो फ्रिक्शन बी पर लगेगा पीछे की तरफ, ना भैया मैं तुम दोनों को साथ रखूंगा चाहे जो हो जाए। तो बी जा रहा है 10 से, तो फ्रिक्शन क्या बोला कि तू बहुत आगे जा रहा है ना, तू बहुत आगे जा रहा है, चल तू पीछे, चल 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 तू पीछे, पीछे लगेगा फ्रिक्शन। ए को बोलेगा ए तू कितना पीछे है यार, चल तू आ गया। तो ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। अब क्या चाह रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि दोनों को मैं साथ मिलाकर रहूंगा, हम साथ साथ हैं, वो वाली स्टोरी इसने बहुत दिल पे ले ली है। बात समझ में आ रही है बात, मतलब यहां तक की कहानी क्लियर है कि फ्रिक्शन अभी तक आपको मैंने क्या क्या, मतलब उतने कहानी में से जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको रिपीट करता चल रहा हूं, ताकि फिर तो हम लोग वहीं पहुंचेंगे फॉर्मूला एफ बराबर म्यू एन और उसका फिर एफबीडी और फिर न्यूमेरिकल और फिर एक्सेलरेशन और ये और वो। लेकिन फील करना है ना कि फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, और जब आप फील कर लोगे तो सवाल में भी सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। बात समझ में आ रही है, तो फ्रिक्शन क्या है भाई, फ्रिक्शन एक पैरेलल कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये चाहता है कि दो सर्फेस हमेशा साथ रहें, ये चाहता है, और साथ रहें इस बात को मैं आपको फील करा रहा हूं इस तीन इस केसेस से। पहली केस की दोनों 5-5 से जा रहा है फ्रिक्शन कोश, दोनों साथ साथ हैं, इसका मन लग गया इधर, फ्रिक्शन बोला है चल वापस आ, तो फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा और इसको साथ में रहने, वहां वो आगे था ये पीछे था, फ्रिक्शन नाराज हो गया, लेकिन इसकी नाराजगी वहीं खत्म नहीं हुई, बोला गया छा चल तू पीछे आ, इसको बोला ए बेटा तू आ गया, दोनों को मिलवा दिया, यहां पर बी पर लगा पीछे की तरफ, ए की तरफ ए पे लगा आगे की तरफ। बात समझ में आ रही है, यहां देखिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है और फ्रिक्शन उधर लग रहा है। फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन, ये सब मैं नोट्स के लिए आपके नोट्स के लिए बता रहा हूं ताकि आपका नोट्स, फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा एक्शन रिएक्शन पेयर का क्या क्या कंडीशन है ये मैंने न्यूटन्स लॉज वाले में बताया है, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा तो कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा, और क्यों नहीं बताऊंगा, आप मुझसे पढ़ने आए हैं तो मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करूंगा। देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं जो दो डिफरेंट बॉडीज पर लगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, नेचर फोर्स का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, दो अपोजिट बॉडी पर लग रहा है, बी पर लग रहा है और ए पर लग रहा है, हाँ, दो अपोजिट डिफरेंट बॉडीज पर लग रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, हाँ अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, हाँ इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, क्या दोनों का नेचर सेम है, दोनों तो फ्रिक्शन ही है, तो दोनों का नेचर भी कैसा है, सेम। तो दोनों का नेचर जब सेम है तो फ्रिक्शन इज व्हाट, एक्शन रिएक्शन, फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर, फ्रिक्शन इज व्हाट, एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ में आ रही है, यस सर, यहां तक की कहानी क्लियर, तो यहां तक की कहानी हमने समझ ली। अब हम लोग ये बेसिक फ्रिक्शन के सारे, अब एक पॉइंट और समझते हैं, क्या समझना है देखिए ध्यान से, एकदम आराम से समझते हैं ये, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इस पर इसको इसको इस पर हमने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, इस पर हमने फोर्स लगाया, और एक कहा एक ये है, ठीक है, अच्छा इस पर एम जी किधर लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है नीचे, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, यस सर नॉर्मल लग रहा है ऊपर। अच्छा इधर हमने क्या किया कि इसको दबाया, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे चला रहा हूं, चलेगा ऐसे, चलेगा, मेरी हाथ वैसे है इस तरह से चलता है ये, ठीक है, ये चलेगा, मतलब फ्लैट सरफेस पर अगर आप रखो तो ये चलता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ये रहा, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे चलेगा, मूव कर रहा है ये, मूव करता है, ठीक है, फ्लैट सरफेस पर अगर आप रखो तो मूव करता है ये, ठीक है, फ्लैट सरफेस पर अगर आप रखो तो ये मूव करता है, ठीक है।
अब अगर मान लो कि आप इस पर फोर्स लगाओ, ऊपर से दबा दिए, ऊपर से दबा दिया, ऊपर से दबा दिया, अब ऊपर से दबाने के बाद तुम धकेलो, नहीं धकलाता है भाई, नहीं नहीं आगे मूव ही नहीं करेगा, आगे मूव करता ही नहीं, या करेगा भी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैंने किया क्या, ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। मैंने ऊपर से इस पर फोर्स लगाया, ऊपर से फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ऊपर से, ऊपर से फोर्स लगा दिया। अच्छा इसमें क्या था कि मैं इस पर ऐसे नी 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 नी, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये आगे मूव करेगा, नी 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 नी, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसमें ऊपर से किसी ने फोर्स लगाया, अब इधर से मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा है। दोनों में, दोनों के हम नॉर्मल को फाइंड करते हैं, ठीक है, इसमें इसके नॉर्मल को मान लीजिए N1, इसके नॉर्मल को मान लीजिए N2। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ऐसा घर पे कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सिंपल एक चादर लो या एक टॉवल ले लो, ठीक है, उस टॉवल को पहले वैसे ही स्लाइड करो, आराम से फर्स्ट क्लास स्लाइड, उस पर तुम 10-12 बहुत हो जाएगा, 5-6 ब्रिक्स ईंट थकिया दो, डिन 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 डिन, उसके बाद खींचो। खींचने में तुम्हारी मतलब परेशान, मतलब खींचने में बहुत लफड़ा फंस जाएगा, है ना, खींच नहीं पाओगे इजीली तुम, आराम, मेहनत लगेगा भाई खींचने, लेकिन इससे पहले तुम आसानी से खींच रहे थे, है ना, इससे पहले आसानी से खींच रहे थे, लेकिन जब ईंट डाल दिया अब खींचने में दिक्कत है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल कॉमन सेंस वाली चीज़। N1 यहाँ कितना है, N1 है यहाँ MG। अच्छा यहाँ N1 क्या, इस पे तो MG लग रहा है, यहाँ N2 क्या है, तो ध्यान से देखिए, MG और F1 भी तो नीचे लग रहा है, F1 और MG की डायरेक्शन से में, तो आप ध्यान से बताइए कौन बड़ा। आप कहिएगा कि सर N2 बड़ा है और N1 छोटा है, हाँ सर N1 N2 बड़ा है और N2 छोटा। अच्छा यहाँ जब मैं ढकेल रहा था तो इतने दूर के सरफेस को साथ रखने का काम कौन कर रहा था, फ्रिक्शन, वो नहीं चाह रहा था, वो चाहता क्या है कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये सरफेस हमेशा साथ रहे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये फ्रिक्शन यही चाहता है, इसका यही नारा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो बात समझ में आ रही है, इतने को चाह रहा था कि कॉन्टेक्ट में रहे, ये चाह रहा था कि कॉन्टेक्ट में रहे। अब लेकिन नहीं हुआ तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये कॉन्टेक्ट में रहे, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा था, इसको मान लीजिए F1। यहां जब आप धकेल रहे थे तो ये आगे जा ही नहीं रहा था, इसका मतलब कि यहां जो मिले सुर मेरा तुम्हारा था वो काफी ज्यादा था, इसी वजह से तो ये आगे नहीं बढ़ रहा था, है ना, बात समझ में आ रही है कि इसको मैंने, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, इसको ढकेला तो ये इजिली आगे जा रहा था, मतलब यहां फ्रिक्शन F1 है, ये चाहता है कि सरफेस साथ रहे, लेकिन साथ रहने के लिए इसका अपोज करता है, अपोज करेगा तो F1 ये हो गया, और यहां भी मैं लगा रहा हूं लेकिन ये मूव ही नहीं कर रहा, इसका मतलब यहां भी अपोज कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि F2 जो है वो ज्यादा है और F1 कम है, इससे ये कंक्लूजन, मतलब यहां फ्रिक्शन ज्यादा है, ये आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहां फ्रिक्शन ज्यादा है, यहां फ्रिक्शन कम है, ये किससे मिला हमको, सिंस देयर फोर, बात समझ में आई, सिंस नॉर्मल 2 ज्यादा है और नॉर्मल 1 कम है, इसका मतलब इससे ये हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन 2 ज्यादा और फ्रिक्शन 1 कम है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि जो फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किस पर, नॉर्मल के, जो फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल के, बात समझ में आ रही, फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल के। ओ भाई साहब नॉर्मल, याद कीजिए अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं देखा है तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो वहां मैंने बताया, वहां मैंने सिर्फ ये बोला था कि नॉर्मल निकालो भाई, नॉर्मल निकालो, नॉर्मल निकालने की प्रैक्टिस करो, नॉर्मल निकालोगे तो यहां तो फ्रिक्शन में तुम्हारे बस म्यू आएगा, अभी म्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो एन निकालने आ रहा है तो आप फ्रिक्शन फाइंड कर ले रहे हो इसलिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। मतलब कंक्लूजन पहला क्या निकला, पहला कंक्लूजन निकला कि फोर्स, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन।
दैट इज एफ प्रोपोर्शनल, दैट इज एफ प्रोपोर्शनल इन। अब एक चीज थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के सामने जो रोड है वहां पर आप बाइक चला रहे हैं, गर्मी का वक्त है, आप बाइक चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाड़े मतलब कि गर्मी में आप बाइक चला रहे, कोई दिक्कत नहीं, रोड फर्स्ट क्लास चिक, मतलब एकदम टाइट और गर्म और सूखा। अब बरसात का दिन आया और बरसात में वो भीगा है, भीगा हुआ है, पूरा भीगा हुआ है। अब वहां बाइक चला और गिर गए। अरे भाई आप गिर गए। अब जब आप गिर गए तो क्या लफड़ा फंस गया? लफड़ा फंस गया, लफड़ा ये फंसा कि गर्मी के दिन में आप नहीं गिर रहे थे, रोड तो वही है, लेकिन बारिश के दिन में आप गिर गए। गिर गए इसका मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ तो सरफेस के साथ लफड़ा हुआ। क्या हुआ? पानी की वजह से उस सरफेस का नेचर चेंज हो गया। मान लो कि अगर वहां पर मोबिल गिर गया, ल्यूब्रिकेंट्स तेल गिर गया, तब तो और लफड़ा फंस जाएगा। उस सरफेस का नेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब आप गिर रहे हो, मतलब गर्मी में आप नहीं गिर रहे थे, लेकिन तेल गिरने के बाद आप गिर गए, स्किट कर रहा है, फ्रिक्शन पर्याप्त मिल नहीं पा रहा। ओ हो हो, क्या बोला आपने? फ्रिक्शन पर्याप्त मिल नहीं पा रहा। फ्रिक्शन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन है क्या वो नेचर ऑफ सरफेस पर भी डिपेंड करता है? बिल्कुल। तो दूसरा कंक्लूजन, ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ surfaces in contact, nature of surfaces in contact, that is f proportional mu मतलब क्या? nature of contact surface। तो f बराबर आ जाएगा, या यहीं पर लिख दो, so friction का formula होता है mu n। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन। अच्छा सर, ये म्यू क्या है? म्यू क्या है? फ्रिक्शन तो आप समझ रहे हैं। अच्छा म्यू क्या है? म्यू 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 म्यू, पहले इतना नोट करो। मैं म्यू को कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे बताता हूं। इतना नोट करो, फ्रिक्शन को म्यू को कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, एन नॉर्मल है, नोट करो इसको, फिर मैं मिटा कर। तो वेयर एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, वेयर एफ क्या है? फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और एन क्या है? नॉर्मल फोर्स, म्यू क्या है? म्यू है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, या म्यू को क्या बोलते हैं? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू को क्या बोल रहे हैं? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। और म्यू क्या बताता है? नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। म्यू क्या बताता है? म्यू टेल्स नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जनरली एक पॉइंट और समझिए, जनरली म्यू लेस देन जीरो होगा। जनरली मतलब आपके लिए मोस्टली म्यू क्या होगा? लेस देन जीरो। लेकिन म्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, होगा। कब होगा? When there is force of adhesive force। क्या बात समझ में आ रही है ना? जब force of adhesive होगा तो म्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन जब म्यू, जनरली म्यू क्या होगा? लेस देन जीरो। जैसे मान लीजिए फोर्स, सर एडहेसिव फोर्स मतलब क्या है? जैसे मान लो कि रोड नया नया तैयार हो रहा है, ठीक है, एकदम उसको, उस पर जो चारकोल होता है, अलकतरा जिसे कहते हैं, अलकतरा बिछाया गया, वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मतलब 70-80% कंप्लीट हुआ है, 20% अभी भी बाकी। आप उस पर चलो, चट 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 करेगा, आपका पैर चिपक जाएगा।
तो एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसी को हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो अगर फोर्स ऑफ एडहेसिव होगा, मतलब आप चल रहे हो, चिपक रहा है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, भाई वो चिपक जा रहा है यार, अब कैसे चले, अब आपको दिक्कत हो रही है, तो फोर्स ऑफ एडहेसिव अगर होगा तो म्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर जनरली आपके लिए म्यू क्या होगा, लेस देन जीरो। ये नोट कीजिए फ्रिक्शन के बारे में, एफ बराबर म्यू एन, एफ बराबर म्यू एन। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप सवाल को यूज कर सकते, लगा सकते कि सवाल, सबसे मेन तो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड तो आपको क्या करना है, एफ बराबर म्यू एन, तो डायरेक्शन समझते हैं बेहतरीन अंदाज में। देखिए ए बी सी, यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मान लीजिए एफ वन, यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मान लीजिए एफ टू, और यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मान लीजिए एफ थ्री। तीन फ्रिक्शन है, यस, एफ वन, एफ टू और एफ थ्री। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन का एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन के डायरेक्शन का एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये पहला पॉइंट आपको समझना है, एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन मतलब रखता ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब रखेगा किससे, ये पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट। दूसरा, फ्रिक्शन मतलब रखता है रिलेटिव वेलोसिटी से, पॉइंट टू, फ्रिक्शन मतलब रखता है रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से। ये दो बात आपको समझ में आनी चाहिए और एकदम दिमाग में रखना है आपको, फ्रिक्शन मतलब रखता है किससे, रिलेटिव वेलोसिटी से, फ्रिक्शन किससे मतलब रखता है, रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक, फ्रिक्शन मतलब रखता है रिलेटिव वेलोसिटी, ये पॉइंट वन और ये पॉइंट टू, ये दो पॉइंट। अच्छा सर, फ्रिक्शन तो एक्सेलरेशन से मतलब रखता ही नहीं, ठीक है, नहीं मतलब रखता है, तो हम अगले फिगर में उसमें एक्सेलरेशन दिखाते ही नहीं, चलो ए 10 मीटर पर सेकंड, बी 6 मीटर पर सेकंड, सी 2 मीटर पर सेकंड, खेला खत्म, एक्सेलरेशन से हमको कोई मतलब नहीं। तो अब फिगर थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, यहां भड़ा लग रहा है, अब वहां साफ सुथरा लग रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही, ए बी सी, हो माय गॉड। चलिए अब क्या करना है, डायरेक्शन निकालना, कैसे निकाले डायरेक्शन, कोई बड़ा मसला नहीं, डायरेक्शन आसानी से निकलेगा। देखिए, जिससे मतलब नहीं था उसको हमने निकाल दिया, अब मतलब किससे है, रिलेटिव वेलोसिटी मींस रिलेटिव स्लिपिंग, है ना, फ्रिक्शन किसको, फ्रिक्शन का मतलब किससे, रिलेटिव स्लिपिंग से, वो अभी मैं क्लियर करूंगा, पहले अब देखिए, अब हम लेते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते हैं फॉर बी एंड सी के लिए। देखिए ध्यान से, सी है ऊपर, बी है नीचे, ठीक है, सी किधर जा रहा है, इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड, सी किधर जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या निकालेंगे, हम सी के लिए काम कर रहे हैं ना, सी का निकालते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे ही ना लिखा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब रखता है डायरेक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब रखता है, तो हम किसको निकालेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन को निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी किसका, सी का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में भी, रिलेटिव मोशन में भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, वीसी माइनस वीबी, यही ना फॉर्मूला आता है, वीसी वेक्टर बराबर ये वीसी वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर। अच्छा एक पॉइंट और क्या कर लेते हैं, इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव, इधर जाएगा पॉजिटिव, इधर जाएगा निगेटिव, डायरेक्शन हमने मान लिया भाई, वो पॉजिटिव ये निगेटिव। अब निकालो वीसीबी,
वीसी 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 कितना दो, टू माइनस वीबी कितना सिक्स, कितना आ गया माइनस फोर मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली में क्या था, सी का सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ये एक्चुअली क्या था सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। अगर आप चीटा बनकर, अगर आप चीटा बनकर, ठीक है चीटा बनकर बी पर बैठ जाए, बी पर बैठ जाए तो सी आपको है ना, अगर आप चीटा बनकर किस पर बैठ जाए, बी पर बैठ जाए, अगर आप चीटा बनकर बी पर बैठ जाए तो सी आपको किधर जाता हुआ लगेगा, माइनस फोर आया ना भाई सी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी माइनस, मतलब इधर पीछे, मतलब सी आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा, पीछे जाता हुआ नजर आएगा, पीछे जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको पता है फ्रिक्शन क्या करता है, साथ रखने का काम करता है, वो चाहता है कि दो सरफेस हमेशा साथ रहे, तो बी के लिए सी किधर जा रहा है, पीछे, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि नहीं तुम साथ रहो, और साथ रहने के लिए फ्रिक्शन उसको किधर फोर्स लगाएगा, इधर, तू जा रहा है पीछे, फ्रिक्शन कहेगा नहीं तुझे पीछे नहीं जाना, मैं तुझे आगे ढेल कर, आगे ठेल कर, आगे धक्का देकर, आगे धक्का देकर तुझे साथ रखने की कोशिश करूंगा, और वो मैं मरते दम तक रहूंगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी पर, सॉरी सी पर किधर लगेगा, इस तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा सी पर आगे की तरफ, आगे। F2 F3 तो बी पर किधर लगेगा, पीछे। बात समझ में आई। ये मैंने आपको एकदम कोड कॉन्सेप्ट जो होता है ना डायरेक्शन निकालने का, मतलब कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं इतना समझने के बाद भाई। अब तुम खुद कहोगे कि सर मैं बी और ए के लिए खुद से काम करना चाहता हूं, करो पॉज करो और करो, ये बेहतरीन अंदाज में तुम्हें समझ में आया होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन के डायरेक्शन को एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं, फ्रिक्शन के डायरेक्शन को सिर्फ मतलब है किससे, रिलेटिव वेलोसिटी से। फ्रिक्शन के डायरेक्शन को रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब है, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब है, तो हमने दो ब्लॉक उठा लिया बी और सी, और सी का निकाला बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, तो और साइन ले लिया प्लस माइनस, तो आ गया माइनस फोर। मतलब अब इतने पर भी और क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको क्या कहा कि बी के रेस्पेक्ट में आया माइनस फोर, सर मुझे और क्लेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है तुम चीटा बनकर बी पर बैठ जाओ तो तुम्हें सी किधर जाता हुआ लगेगा, उधर। अब तुम सी जब उधर लगेगा, तुम खुद बी पर बैठे हो, सी उधर जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, फ्रिक्शन इधर लगाओगे, ए भाई बात समझ में आई, फ्रिक्शन इधर लगेगा सी पर कि तुम्हें उधर नहीं जाना, तुम्हें इधर रहना है, इधर लगाओगे ताकि तुम सरफेस क्या रहो, साथ रह सको, तो सी पर उधर लगेगा तो बी पर इस तरफ लगेगा। बात समझ में आई है ना, बेहतरीन अंदाज में समझ में आई होगी। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग ए और बी की बात करते हैं, नोट कीजिए इतना, फिर हम लोग ए और बी की बात करते हैं। 1 2 3 खचाक, चलिए आपने नोट कर लिया यहां, है ना। अब बात करते हैं किसकी, देखो बी और सी, बी और ए की बात करो, बी ए, ठीक है, इधर मानो पॉजिटिव, इधर मानो नेगेटिव, नेगेटिव बी किधर जा रहा है, 6 से जा रहा है, ए किधर जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, निकालो बी का, निकालो ए के रेस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी ए, बी का निकालो ए के रेस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना 6 और 10 इधर माइनस टेन कितना आया 16 पॉजिटिव आया। अब तुम ए पर चीटा बनकर बैठ गए। अब जब तुम चीटा बनकर बैठ गए तो तुम्हें ए किधर जाता हुआ नजर आ रहा है, बी किधर जाता हुआ नजर आ रहा है, बी तुम्हें इधर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, F2। बात खत्म,
F2 लग गया, डायरेक्शन समझ में आ गया मुझे। बेहतरीन अंदाज में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन कैसे लगाना है। यस सर, बहुत बेहतरीन अंदाज में मुझे समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ से और कैसा लगने वाला है। इंड तक देखो, इंड तक देखो, मजा आने वाला है। किस तरह से तुम्हें इस डायरेक्शन समझ में आ रहा है? यस सर। अब ए और इसमें तो, और इसमें तो कोई एक तो चल ही नहीं रहा है, उधर का मिटा के मैं बता रहा हूं आपको। ए और देखो इधर, इसमें तो रिलेटिव निकालने का लफड़ा ही नहीं है। अर्थ ए, ए किधर जा रहा है? 10। तो अर्थ किधर लगाएगा? अर्थ, अर्थ क्या चाहेगा? ये अर्थ क्या चाहेगा कि तुम इधर जा रहे हो, फ्रिक्शन इधर लगेगा F1, और अर्थ पर किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्या बात समझ में आई है? नोट कीजिए इसको फर्स्ट क्लास। चलिए देखिए, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्वेश्चन और है हमारे सामने जो कि बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझेंगे। और अगर आपने इस अभी वाला सवाल समझ लिया है तो एकदम आप पॉज करो और इस पर दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो एकदम, और मैं गारंटी देता हूं कि फर्स्ट क्लास तुम बना लोगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सी और बी, सी और बी, इधर मानो पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। चूंकि एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन है ही नहीं इस सवाल में, ठीक है? अब निकालिए आप सी का बी के रिस्पेक्ट में। तो वी सी माइनस वी बी, वी सी कितना है 1, माइनस वी बी कितना है, दोनों इधर ही है पॉजिटिव 4, कितना है -3 मीटर पर सेकेंड। ओ हो हो, अब सी का सी की वेलोसिटी बी के तुलना में माइनस, ओ इधर जा रहा है। तो तुम चीटा बनकर बी पर बैठो तो तुम्हें सी किधर जाता हुआ लगेगा? इधर जाता हुआ लगेगा, इधर जाता हुआ लगेगा। ओ हो हो, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर है? इस तरफ है फ्रिक्शन, इस तरफ। ओ क्या है, F3 इधर, इधर F3। बात समझ में आई? यस सर, निकल गया, निकल गया सी और बी पर, निकल गया। सी किधर जाता हुआ लग रहा है बी के लिए? -3, मतलब इधर माइनस निगेटिव। तो बी पर बैठा हुआ चीटा इधर देखेगा कि सी इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, खत्म। चलो बी नंबर देखो, बी और ए के बीच में, फॉर बी एंड ए, बी बनाओ, बी बना लिया, ए बनाओ, ए बना लिया। बी किधर? 4। ए किधर? ए बी इधर, इधर 2। निकालो बी का ए के रेस्पेक्ट में, वी बी माइनस वी ए, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, वी बी माइनस वी ए, वी बी वी बी 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 4 -2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ओ हो हो, पॉजिटिव, मतलब कि ए के लिए बी इधर जा रहा है, +2 आया ना, बी के लिए, ए के लिए बी इधर जा रहा है, बी के लिए इधर ए जा रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। कितना है भाई? F2, तो इधर F2। क्या है, क्या इसमें है क्या? आओ ग्राउंड के लिए बनाओ, ग्राउंड के लिए बनाइए, इसमें ग्राउंड तो रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इधर जा रहा है, तो ग्राउंड किधर लगाएगा? इधर F3, नो F1, और ग्राउंड पर इधर लगेगा। क्या था इसमें यार, था क्या? कुछ नहीं था। नोट कीजिए इसको फटाक से। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन से हम लोग काम करते हैं, ठीक है? मजा आएगा, समझेंगे ध्यान से। देखिए ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक है? ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना? 2 kg। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर म्यू है 0.2, एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं। 0.2 कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2 कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, मास कितना है? 2 kg, मास है 2 kg, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। अच्छा सर, ये सर समझ में आ रहा है, 0.2 और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 2 kg, ठीक है सर, समझ में आ गया बात क्या है नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अभी इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स कोई भी, अभी फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ढकेलना चाहूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको ढकेलना चाहूंगा, तब फ्रिक्शन एग्जिस्ट एकदम अपीयर्स
है ना, वजह जैसे वो कुल्हाड़ी वाला कहानी सुना होगा ना आपने, गुड़ाले कुल्हाड़ी वाली कहानी, चला गया पीजर कि तेरा कौन सा है, तो ये नहीं मेरा सोना का नहीं था, मेरा तो लकड़ी वाला था, फिर वो जस्ट अपियर वाली बात, जस्ट अपियर, जैसे ही आया जस्ट अपियर हुआ, ओ भाई साहब फ्रिक्शन है, जस्ट अपियर हो गया, कब, जब आप इस पर फोर्स लगा रहेगा तब, अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है भैया मुझे समझ में आ गया कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे फ्रिक्शन, जब तक हम इसको इस दो सरफेस के बीच के बीच में जो साथ रहने वाला संबंध है, जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये कभी भी आगे पीछे होने वाला, मतलब फ्रिक्शन आने वाला नहीं, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा फ्रिक्शन आ जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है मुझे कि फ्रिक्शन आ जाएगा, लेकिन सर मुझे जानना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब ये जो सरफेस है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है, तो वो मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन, फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है, फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स म्यू एन, यही तो फॉर्मूला है म्यू एन। अच्छा यहां एन किसके बराबर है, म्यू एमजी के बराबर, एन किसके बराबर, एमजी के बराबर, एन ऊपर लगेगा, एन ऊपर लगेगा, एमजी नीचे, हाँ सर एमजी के बराबर, तो वैल्यू पुट कीजिए, म्यू कितना 0.2, मास कितना 2 kg, जी कितना 10, कितना आ गया 4 newton, 4 newton मैक्सिमम मतलब ये जो 4 newton आया है ये इस सरफेस का मैक्सिमम फ्रिक्शन इट कैन गिव, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो ये दे सकता है, मैक्सिमम ताकत इस सरफेस के द्वारा इतना ही लगेगा, बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम ताकत किसके द्वारा, इसके द्वारा, अब समझिए ध्यान से, ये तो हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, अब हमने यहां फोर्स लगाना शुरू किया, ढकेलना शुरू किया, अब फ्रिक्शन आ गया, जैसे ही हमने ढकेलना शुरू किया फ्रिक्शन आ गया, हमने यहां फ्रिक्शन लगाया, ये एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड और ये फ्रिक्शन, ठीक है एफ अप्लाइड और ये फ्रिक्शन, बात समझ में आ रही, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, हमने लगाया 0.5 newton, हमने कितना लगाया 0.5 newton, फ्रिक्शन भी लगाने लगा, हमने देखा कि नहीं मूव नहीं कर रहा है, 0.5 newton हमने फोर्स लगाया तो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि क्या फ्रिक्शन भी 0.5 लगा रहा है, हाँ सर 0.5 वो भी लगा रहा है, 0.5 वो भी लगा रहा है, ठीक है वो 0.5 0.5, हमने 1 newton लगाया, देखा भैया ये भी ये अब भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 1 newton फोर्स लगा रहा है, बात समझ में आ रही है, हमने अब यहां कितना किया 1.5, देखा ये भी अब भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसने भी क्या किया 1.5 newton फोर्स लगाया, हाँ सर, अब हमने कितना लगाया 2 newton, ओ भाई साहब ये भी लगा दिया 2 newton, इसका मतलब ये अभी भी मूव नहीं कर रहा, करते 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 हमने 3 newton लगाया, ये भी देख रहे हैं मूव कर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी कितना लगा रहा है 3 newton, हमने कितना लगा दिया 4 newton, हमने देखा अभी भी, मतलब अगर हम एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें भी 0 0 0 0 0 0, यहां तक में एक्सेलरेशन क्या है 0, अब जैसे ही हमने लगाया 4.5 या एकदम जरा सा से ज्यादा एकदम 4.1 newton लगाया, ओहो हो अब तो ये तो देखा कि क्योंकि ये मैक्सिमम ताकत कितना लगा सकता था 4 newton मैक्सिमम ताकत लगा सकता था, है ना मैक्सिमम ताकत कितना लगा सकता था, अरे भाई मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया है कि नहीं किया, हाँ लफड़ा फंस जाता ना कभी कभी कि साला पूरा पढ़ा दो और रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं, लफड़ा फंस जाता, 4.1, अब हमने 4.1, अब ये मैक्सिमम ताकत कितना लगा सकता था 4 newton ये मैक्सिमम लगा सकता था, तो अब तो इसके पास इतनी शक्ति है ये 4 newton, लेकिन अब जो है अब ये जो 4 newton लगा रहा था ना ये 4 newton से थोड़ा सा कम लगाएगा, बहुत कम, बहुत नहीं थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा लगाएगा, ये लगाएगा 3.3
9999 इतना लगाएगा। ओ हो जैसे ही हमने ज्यादा किया, ये कम कैसे हो गया वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ग्राफ इसका पढ़ना है। अब एक्सेलरेशन होगा लगभग, अब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ तो होगा, एक्सेलरेशन आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां तक की कहानी समझिए। इस डेटा से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। पहली पॉइंट ये बताई मैंने आपकी, जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन जस्ट कम्स टू अपीयर, आ जाएगा कि मैं सरफेस को साथ रहने वाला देने वाला आदमी हूं, मैं उसे अलग नहीं होने दूंगा। जस्ट कम्स अपीयर। अच्छा, ये मैक्सिमम कितना लगाएगा? तो ये हमने फॉर्मूला से निकाल लिया कि मैक्सिमम भाई ये 4 न्यूटन लगा सकता है। मैक्सिमम 4 न्यूटन लगाएगा। 4 न्यूटन जब ये मैक्सिमम लगा सकता है, तो हमने कुछ यहाँ खेल खेला, खेल नहीं मतलब वैल्यू पुट्स किए। देखे 4 न्यूटन तक तो ये चला ही नहीं। अब इससे कुछ बात समझना है, वो क्या है ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, क्या आपने धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है ऐसे, फ्रिक्शन इधर लग रहा है ऐसे। क्या फ्रिक्शन के पास कोई आदमी बैठा था जो बोला कि ये वो 0.5 लगा रहा है, तू भी 0.5 लगा, देख देख उसने एक कर लिया, तू एक कर, देख देख उसने टू कर लिया, तू टू कर। क्या कोई ऐसा आदमी था? नोप्स, कोई आदमी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कौन था? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ने खुद की वैल्यूज एडजस्ट की, फ्रिक्शन ने खुद की वैल्यू एडजस्ट की। कहां तक? जीरो से लेकर कहां तक, कहां तक? मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट की फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू, मतलब एडजस्ट की कहां से कहां तक, मैक्सिमम से लेके, जीरो से लेके मैक्सिमम तक। इसने खुद की वैल्यू खुद से एडजस्ट की, इसलिए फ्रिक्शन को हम कहेंगे कि फ्रिक्शन इज, यहां के बाद अब पॉइंट्स हम, मतलब फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। फ्रिक्शन जो है नेचर में क्या करता है, मतलब नेचर में कैसा है, खुद से खुद को एडजस्ट करता है, इससे ये पता चला हमें। ये पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट जो हमें पता चला वो ये कि फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर रखता है, खुद से खुद को चेंज करता है। ठीक, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है कि ये कितना तक गया? 4 तक गया, उससे आगे नहीं जा सकता, यही उसकी पावर है ना। अच्छा, इसने एडजस्ट किया, कहां तक एडजस्ट किया? 4 तक, उससे ज्यादा, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 4 न्यूटन। ये जो 4 न्यूटन, ये क्या है? इसकी हद है, इससे आगे ये नहीं जा सकता है। ये 4 न्यूटन क्या है? इसकी हद है, इससे आगे ये जा नहीं सकता। जब ये इससे आगे जाएगा नहीं, मतलब ये इसकी हद है, हद बोले तो लिमिट, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दूसरा पॉइंट जो समझने की बात है वो क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज नोन एज, फ्रिक्शन इज नोन एज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आई? तीसरे पॉइंट के लिए रेडी हो जाओ। यहां तक तो एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। सेल्फ फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, और फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। हाँ सर, अब देखिए ध्यान से, यहां तक तो ये एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब इतना दूर में वो, इतने दूर तक ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में। इतने दूर तक ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में। मूव नहीं किया। तो इस कंडीशन में जितने भी फोर्स, जितने भी फ्रिक्शन लग रहे थे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन।
ये रेंज क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब हम लोग समझेंगे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, लोग अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। लोग को क्या लगता है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब रुका हुआ, नहीं, सिर्फ रुका हुआ हो ऑब्जेक्ट ये जरूरी नहीं। अच्छा मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं कि भाई मान लीजिए ये ठीक है, बताइए इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। आप कहिएगा कि सर ये तो समझने वाली बात है, इसमें कौन सा फ्रिक्शन, हालांकि इस दो मेरे हाथ और डस्टर के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, मेरे हाथ और डस्टर के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। तो मेरे हाथ और डस्टर के बीच में कंफ्यूजन, सब कोई कहेगा कि अगर आपका कंफ्यूजन है, मतलब कि अगर आपको ये आपने ये पढ़ा हुआ है भाई कि स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो आप सीधे कहोगे सर ये काइनेटिक नहीं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है मेरे हाथ और इसके बीच में, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन ये है कि जो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव स्लिपिंग है ना, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, या दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, जैसे कि ये एग्जांपल मेरा वाला है ना, बात समझ में आ रही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस is that friction between the two surfaces, बात समझ में आ रही। अच्छा ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज क्या होगा, यहां फ्रिक्शन में अब बेस में क्या लगा देंगे, एस स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका रेंज होगा 0 से ज्यादा लेकिन 4 न्यूटन से कम। यहां पर 4 न्यूटन कुछ भी हो सकता है, 4 न्यूटन से कम है ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से ज्यादा या बराबर म्यू एस एन। अब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन में भी क्या लगा देंगे एस लगा देंगे। लेस देन कितना 4 न्यूटन। बात समझ में आ रही, तो ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं, अब यहां पर मूव करने लगा, यहां एक्सेलरेशन 0 नहीं, यहां पर आ गया है मोशन। यहां पर क्या आ गया है मोशन, यहां पर आ गया है मोशन, तो अब हो जाएगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कब आएगा, तो दिस कम्स इनटू प्ले when there is relative motion, between the surfaces in contact। ठीक है, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइटली कम होता है, स्लाइटली लेस देन एफ एस है ना। तो जब ये है तो इसमें एक और चीज आप समझ लीजिए, म्यू के स्लाइटली छोटा होगा किससे, म्यू एस से, म्यू के छोटा होगा कहां, म्यू एस से। और जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहां म्यू के और म्यू एस अगर नहीं दिया है, और मतलब कि कोई एक दिया है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो समझ लेना कि म्यू के और म्यू एस आपस में इक्वल है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तब, ऐसे तो वो वैल्यू दी जाएंगी आपको। बात समझ में आ रही है,
तो ये आपने कुछ बेसिक्स ऑफ समझ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सेल्फ स्ट्रेचिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ये स्लाइटली कम होता है। एक बार जब वो चलने लगा, मतलब यहां तक की अगर हम बात करें, आपने 4 न्यूटन लगाया वो नहीं चला, लेकिन आपने 4 से हल्का सा ज्यादा दे दिया तो वो चलने लगा। अब जब वो चलने लगा है तो वो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो अपोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप उस पर हावी हो गए, आपने ऑब्जेक्ट को चलाना शुरू कर दिया। तो वो अभी भी प्रयास करता रहेगा कि ना मौका मिलेगा तो हम इसको रोकिए देंगे, तेज बन रहा है। बात समझ में आ रही है? उस केस में ये जो मैक्सिमम से थोड़ा सा कम हो जाता है, मैक्सिमम से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका ग्राफ हम लोग समझेंगे कुछ देर में, है ना, मैक्सिमम से थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहां तक वाला रेस्ट में तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां मोशन में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। सबका रेंज क्या है, वैल्यूज क्या है, ये सारी यहां से यहां तक की इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, है ना। फिर इस रेंज में, इस फ्रिक्शन में सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, इसको फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग कहलाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। फटाक से इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट क्या, देखिए पॉइंट ये है, पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या अभी हमने समझा कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब वेयर देयर इज रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन होगा या रिलेटिव स्लिपिंग होगा, उसको रिलेटिव स्लिपिंग भी बोल रहे हैं, है ना, मोशन या स्लिपिंग, स्लिपिंग हो तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहें। अब सवाल यह है कि क्या कोई बॉडी रुकी हुई है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है और तब उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कैसे लग सकता है, किस सिचुएशन में लगेगा, ये भी देख लीजिए, है ना। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है और इधर एक ब्लॉक है, ये ए और ये बी, ये आगे बढ़ रहा है, ये इधर मूव कर रहा है और ये रुका हुआ है, ये ब्लॉक रुका हुआ है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन है। यहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये रुका हुआ है लेकिन फिर भी इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बात समझ में आ रही। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है जब बॉडी रुकी हुई हो तब। तो कब रुकेगा, जब एक बॉडी रुकी हो और दूसरी बॉडी चल रही हो, दूसरी बॉडी चल रही हो, एक बॉडी रुकी हो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब इसका ग्राफ देख लीजिए, ये एक सवाल था छोटा सा, अब इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ किसका किसका, तो एफ वर्सेस एफ, मतलब फ्रिक्शन और एफ अप्लाइड, फ्रिक्शन वर्सेस एफ अप्लाइड, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये स्मॉल एफ, एफ अप्लाइड, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ दूर तक, ये 4 तक वाला, 4 4 एफ अप्लाइड और 4 4, बात समझ में आ रही, 4 4 तक, क्या 4 4 तक, थोड़ा सा अब ये कम हो जाता है, है ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि म्यू के और म्यू एस भी कम होता है। अगर मान लीजिए कहीं म्यू एस दिया हुआ है 0.2 0.3, है ना, तो म्यू के कितना होगा, 0.2 होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको यही निकाल कर देगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस, है ना। तो ये हल्का सा यहां पर स्पाइक आता है, हल्का सा, मतलब हल्का सा यहां स्पाइक आएगा और फिर ये ऐसा, ये ग्राफ है ना, नोट कर लीजिए इसको, है ना, यहां पर ये जो है मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है ना, यहां से हल्का सा स्पाइक आएगा, हल्का सा ऐसा, और ये चला गया, तो ये क्या हो गया, म्यू एस, म्यू एस एन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस एन, ये म्यू के यहां से आ गया म्यू के एन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम यहां से, बेसिकली यहां से आ गया, बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राफ हो गया इसका, नोट कर लीजिए आप इसको, 1 2 3, चलिए हमारे सामने कुछ सवाल है, सवाल को करते हैं, मजा आने वाला है बेहतरीन अंदाज में। चलिए सबसे पहले ये लल्लू सा सवाल है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले फोर्स इधर लग रहा है तो हमें मालूम है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब म्यू के और म्यू एस दोनों बराबर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। म्यू कितना, 0.2, एन कितना, एम जी एन बराबर एम जी, तो 0.2 इंटू एम कितना, 2 इंटू जी, 10,
डिचिक तो कितना आ गया 4 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन कितना आ गया 4 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट बाय मास। एफ नेट क्या होता है, अप्लाइड माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन एम। अप्लाइड फोर्स कितना है 6, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 4, 6 में से 4 गया। मास कितना है, मास है 2, तो कितना आ गया 2/2 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, पहला सवाल बन गया। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास इसको नोट कीजिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए फर्स्ट क्लास। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, जगह भी बच जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अगर 37 डिग्री दिया है तो आपको एक ट्राइंगल बना लेना है, 53, 5, 3 और ये 37, 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उस 20 को तोड़ना, 20 को तोड़ो इधर, अच्छा यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये 2 kg है ना, ये 2 kg है, 2 kg इधर आया, इधर लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। ये 37 है तो इधर आएगा 20 cos 37, मतलब 20 cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, 5 मतलब कि 16। इधर आएगा 20 sin 37, तो 20 sin 37, तो 20 × sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, 5 × 20 मतलब कि 12, ठीक है। नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा क्या चीज़, mg कितना हो जाएगा, तो 2 × 10 20, ठीक है, 20, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं नेट फोर्स, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे अगर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ऊपर लग रहा है n, तो पहले n निकाल लेते हैं, ठीक है, ऊपर लग रहा है n, है ना, इस पर n लगेगा ऊपर, तो n निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल, n प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो n बराबर कितना आ गया, 20 − 12 = 8, ठीक है, 20 − 12 कितना आ गया 8, n आ गया 8 न्यूटन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू n, ठीक है, म्यू कितना है 0.2, म्यू है 0.2, n कितना आया भाई 8, मन्ने मारेगा तू, कितना आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1.6, फ्रिक्शन कितना आ गया 4.6। अब निकालो a बराबर f net / m, एफ नेट क्या है, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन एम। अप्लाइड फोर्स कितना, अप्लाइड फोर्स यहाँ निकाला ना हमने 16, इसका इधर कंपोनेंट आया कितना 16, इस 20 न्यूटन का इधर कंपोनेंट कितना आया 16, तो 16 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना 1.6 अपॉन मास कितना है, मास है 2, तो ये हो जाएगा 14.4, यस 14.4 अपॉन 2 कितना आ गया, ये आ गया 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यस सर, मन्ने मारेगा तू, मन्ने तो तेरा गांव का हूं, बात समझ में आ रही है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इसको नौ नहीं समझिएगा, ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब उसमें देखो क्या है, उसमें भी यही काम करना है भाई, उसमें भी यही काम करना। हालांकि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब यहां पर FBD बनाओ, इसका मतलब पहले ये ऐसे आ रहा है ना, 20 न्यूटन, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, यहां बन रहा है 37, मतलब ये 37, मतलब इधर 20 cos 37 और इधर 20 sin 37। अच्छा 20 cos 37 कितना आता है, हमने निकाला ना 20 cos 37 16, 20 sin 37 भी हमने निकाला, कितना आता है 12, है ना, 12 आता है, 12 ऊपर नॉर्मल लगेगा, n नॉर्मल लगेगा। अब निकालिए, n निकालिए सबसे पहले, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और नीचे mg तो लग ही रहा है भाई, mg नीचे लग रहा है 20, कितना हो गया 12 + mg, ठीक है, 12 कौन है, 20 का कंपोनेंट डाउनवर्ड, वही है 12, ठीक है, और mg 12 + m कितना है 2, 32 न्यूटन। f निकालिए, f आ गया म्यू n, म्यू कितना 0.2 × 32 कितना आ गया 6.32 × 64 10, हाँ सही तो है 6.4,
सही तो है यार, फ्रिक्शन कितना है 6.4, ठीक है, फ्रिक्शन कितना आ गया 6.4 आ गया, 6.4 आ गया, तो 6.4 जब आ जाएगा तो एफ नेट निकल, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम, एफ नेट कितना होगा, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन एम, अप्लाइड फोर्स कितना आया 16, ध्यान से देखिए 20 का उधर जो कंपोनेंट आया वो कितना आया 16, तो 16 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आया 6.4, 6.4 अपॉन एम कितना है 2 kg, एम कितना है 2 kg, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 9.6 अपॉन 2, 9.6 अपॉन 2 कितना आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ भाई साहब, अब आपको समझने वाली बात यह है कि मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, बस फर्क यह है कि इधर मैंने फोर्स ऊपर की तरफ खींच, इधर मैंने खींचा है और इधर मैंने ढकेला है, इधर मैंने खींचा है, इधर मैंने ढकेला है, बात समझ में आ रही, इधर मैंने खींचा है, इधर मैंने ढकेला है। अब आप ध्यान से देखिए, खींचने में एक्सेलरेशन ज्यादा, ढकेलने में एक्सेलरेशन कम, और क्यों कम है, है ना, मतलब ये सवाल आता है ना कि सामान को खींचना आसान है या ढकेलना आसान है, तो हाइट पर डिपेंड करता है ना, वो हाइट पर डिपेंड करेगा कि अगर छोटा है ना, छोटा अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको खींचना आसान है, उसका क्यों खींचना आसान है उसका ये जवाब रहा है ना, क्यों खींचना आसान है उसका जवाब ये रहा, बात समझ में आ रही है, क्यों खींचना आसान है, क्योंकि क्योंकि खींचने से देखिए एक आप जो फोर्स लगा रहे हो क्या वो नॉर्मल ऊपर जा रहा है, मतलब नॉर्मल को सपोर्ट कर रहा है, मतलब नॉर्मल को सॉरी जो एमजी है वेट, इफेक्टिव वेट एमजी, उस इफेक्टिव वेट को ध्यान से देखिए एमजी उस इफेक्टिव वेट को कम कर रहा है, बेसिकली नॉर्मल कम कर रहा है ना, बेसिकली क्या कम कर रहा है, नॉर्मल कम कर रहा है, नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और उसमें क्या है आप नीचे लगा रहे हो तो इफेक्टिव वेट बढ़ जा रहा है, एमजी जो है उसके साथ वो जुड़ जा रहा है, तो इफेक्टिव वेट बढ़ गया ना 32 हो गया, यहां नॉर्मल कितना आया देखो माइनस हुआ है नॉर्मल 8, यहां जुड़ गया इफेक्टिव वेट बढ़ गया, बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए इसको फटाक से, एक पॉइंट और हम लोग समझेंगे, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब यहां पर एक सवाल है, बेसिकली कॉन्सेप्ट भी है और सवाल भी है, देखिए कहता है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, जैसे ही बच्चा ये सवाल देखता है कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, बच्चा टेंशन में आ जाता है, और टेंशन में नहीं वो सिंपली कहता है कि वो इस पर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, इस पर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे कितना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे F इज इक्वल टू म्यू एन, जितना लगाएंगे और n क्या हो जाएगा तो mg, तो F बराबर म्यू mg लगाएंगे, और कहेगा कि सर यही मिनिमम फोर्स, यही मिनिमम फोर्स, यही मिनिमम फोर्स हम देंगे तो ये मूव करेगा। अगर आपने ये लेक्चर मतलब सीरियसली अब तक देखा है और आपने चीजें ऑब्जर्व की है तो आपके लिए आप तुरंत मेरे इस जवाब को काउंटर करोगे और कहोगे कि नहीं ये मिनिमम नहीं है, इससे और मिनिमम पॉसिबल है। कैसे मिनिमम पॉसिबल है, तो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन में बताया है अभी जस्ट कि फोर्स इधर लगाने पर एक्सेलरेशन ज़्यादा था और फोर्स ऐसे लगाने पर एक्सेलरेशन कम था, क्या मैंने बताया, क्यों मैंने ऐसा कहा मतलब ऐसा बताया है, तो इसमें हुआ क्या कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर चला गया जो बेसिकली mg को नॉर्मल के साथ हो गया, नॉर्मल के साथ हो गया मतलब कि नॉर्मल की वैल्यू ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये कम होगी, तो n अगर कम होगा क्योंकि इधर मैंने एक और दे दिया है ना, ऊपर में अगर मैं ये दे रहा हूं मतलब इसके माध्यम से ये फोर्स जा रहा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, अगर ये कम हुई तो n कम हुई, n कम हुई तो फ्रिक्शन कम हुई। तो सबसे पहली गलती कि हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल वाला मिनिमम नहीं है, आपको क्या करना होगा फोर्स ऐसे लगाना होगा तभी मिनिमम पॉसिबल है। अब देखिए पूरा मैथ्स है और कुछ नहीं है, पूरा मैथ्स देखिए ध्यान से, सबसे पहले कैसे करेंगे है ना, और वैल्यू क्या आएगा देखिए ध्यान से, एम एम
ठीक है, एम फोर्स लगा इधर, ये थीटा, इधर आया एफ कॉस थीटा, इधर आया एफ साइन थीटा। नॉर्मल निकालने आता है हमें, नीचे लगेगा एम जी। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है, नीचे लगेगा एम जी। एन बराबर, ऊपर एन भी तो लग रहा है, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम जी के। यस सर, सही जा रहे हैं। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये एन निकल कर आ गया, हाँ सर एन निकल कर आ गया। फ्रिक्शन कितना होगा, नाउ फ्रिक्शन कितना होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। यस सर, म्यू की वैल्यू क्या आई, तो एफ एफ इज इक्वल टू कितना हुआ, एफ म्यू, म्यू मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा। यस सर, ये फ्रिक्शन आ गया ना, हाँ सर फ्रिक्शन, हमने क्या किया म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू एन होता है म्यू, म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। यस सर, चलिए अब देखिए एफ फ्रिक्शन आ गया, अगर इसे मूव करना है, इफ टू मूव, टू मूव अगर इसे मूव करना है तो एफ कॉस थीटा, इसी की वजह से ना मूव करेगा, और फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन की वैल्यू, ये फ्रिक्शन की वैल्यू, ये फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर इसे मूव करना है तो एफ कॉस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा फ्रिक्शन से, एफ कॉस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा किससे, फ्रिक्शन से। एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन, ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन, कितना है फ्रिक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, है ना, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है, म्यू एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखें, अब मैथ्स, पूरा मैथ्स, इसमें कोई फिजिक्स नहीं, एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये इधर आया प्लस एफ कॉस थीटा, म्यू एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, एफ कॉमन कर लो, कॉस थीटा प्लस म्यू, ठीक है, ओ शिट ये साइन है ना, ये साइन है, यहाँ मैंने कॉस लिख दिया, साइन थीटा, ठीक है, म्यू एफ कॉमन कर लिया तो कॉस थीटा, ये म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, तो एफ उधर चला गया, म्यू एम जी बाई, म्यू एम जी बाई, है ना, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मतलब एफ इतना से, ये एफ मिनिमम है, अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये एफ मिनिमम है ना। अब और समझते हैं इसको, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं, बेसिकली एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये है अल्फा, तो ये है थीटा, ये है म्यू, ये है वन, तो ये होगा रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, ये है म्यू, ये वन, तो ये आ गया वन प्लस म्यू स्क्वायर अल्फा और ये थीटा। अब क्या करते हैं कि नीचे, मतलब कि नीचे में, है ना, इसमें नीचे डेनोमिनेटर में वन रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर से गुना डिवाइड कर दिए, वन प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, और यहाँ भी रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है, वन स्क्वायर म्यू स्क्वायर, वन स्क्वायर का वन होता है, और यहाँ सिर्फ डिवाइड ही नहीं किए मल्टीप्लाई भी कर दिए, है ना, मल्टीप्लाई भी कर दिए वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हो गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई जब हो गया, अब आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एम जी, और ध्यान से अगर आप देखें इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस म्यू स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, वन प्लस म्यू स्क्वायर,
अब ध्यान से देखिए, क्यू कॉस थीटा, क्या यहाँ 1/h है? 1/h मतलब p/h, p/h क्या होगा? साइन अल्फा। p/h क्या होगा? साइन अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा और कॉस थीटा प्लस, ठीक है, साइन अल्फा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, म्यू बाई वन बाई, तो म्यू बाई मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, म्यू बाई इतना मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस किसके लिए? इसके लिए तो ये हो जाएगा साइन कॉस अल्फा और साइन थीटा तो ऑलरेडी। अब ध्यान से देखें तो इफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एम जी ये क्या है? रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर फॉर, अगर हम चाह रहे हैं हमें निकालना क्या है? मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स। तो फॉर इफ मिनिमम, इफ मिनिमम, इफ मिनिमम के लिए साइन अल्फा प्लस थीटा को क्या होना पड़ेगा? वन, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसका मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, उससे ज्यादा होगा नहीं। और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो पूरा फ्रैक्शन छोटा हो चला हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरा फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? एफ मिनिमम। तो साइन अल्फा प्लस थीटा, तो एफ मिनिमम आ जाएगा, एफ मिनिमम, एफ मिनिमम आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन, और ये हो गया है वन, तो ये आ गया वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही? वन प्लस म्यू स्क्वायर मतलब ये मिनिमम फोर्स चाहिए। आप स्टार्टिंग में सिर्फ कहां तक जा रहे थे? म्यू एम जी तक, लेकिन वन बाई म्यू स्क्वायर ये मिनिमम फोर्स चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा डेरिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। अब एक पॉइंट और आपको समझना है कि सर ये थीटा है ना, मतलब कि इसका अगर हम फिगर, इसका फिगर बनाए तो ये फिगर क्या होगा? ये एम, ये म्यू है ना, यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ये थीटा है ना, ये थीटा। इस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? तो यहाँ से निकाल सकते हैं इस थीटा की वैल्यू। इस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें है ना, तो इस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर म्यू बाई वन, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टैन इनवर्स म्यू, और ये होगा आपका एफ मिनिमम। ये क्या हो जाएगा? f मिनिमम है ना, tan इनवर्स u हो जाएगा आपका f मिनिमम, और f मिनिमम की वैल्यू ये f मिनिमम की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? फर्स्ट क्लास यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास नोट कर लीजिए इसको। 1 2 3 डिचिक, 1 2 3 डिचिक, 1 2 3 डिचिक, ठीक है। तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आ गई होगी कि f मिनिमम क्या है और फोर्स, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो वो हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो बेहतरीन अंदाज में ये फ्रिक्शन का जितना भी, जितनी भी बातें थी इस लेक्चर की, आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आई होगी। इसके बाद का लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।